नमस्ते जुलेट अशदलेक, आप सभी का ट्रैवल गर्ल में फिर एक बार स्वागत है। तो आज है हमारा गल्लब खक्सा यानी कि खक्सा का दूसरा दिन। तो आपने पिछली वीडियो में देखा किस तरह से हम नुस्कलन खक्सा मनाते हैं, और जैसा आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है यहाँ पे। थोड़ी देर में हम निकलने वाले हैं खक्सा के लिए, और ये जो खक्सा का त्यौहार है ये हमारे हुमसो में मनाया जाता है। हुमसो यानी कि लाबरंग, कानम, स्पीलो, ये जो तीन गांव हैं इन्हें हम हुमसो बोलते हैं हमारी बोली में। तो ये जो खक्सा का त्यौहार है सदियों से यहाँ पे मनाते आ रहे हैं। तो आज के दिन नोस्कलंग, थोंगनिंग और गोम्पनंग की महिलाएँ जो हैं और देवता जी के कारदार हैं और बजंतरीगण हैं, वो सब हम आज जाएंगे गल्लब खक्सा में। तो गल्लब खक्सा में जाकर वहाँ पे खाना पीना होगा, नाच गाना होगा, और बरसों से आ रही जो एक प्रथा है यहाँ पे आज भी बरकरार है जिसे हम ब्रेयंग पुयामा बोलते हैं हमारी बोली में, तो वो होगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें होंगी आज। जो खक्सा है मेरा तो बचपन से ही बहुत ज़्यादा फेवरेट फेस्टिवल है। खक्सा में हम बचपन में काफ़ी ज़्यादा मस्ती करते थे, और काफ़ी सालों के बाद जो है गल्लब खक्सा में स्नोफॉल हो रही है तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ऊपर से भी हमारे को ब्लेसिंग्स आ रही है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं भी। और तो आइए चलते हैं और आप सभी को भी ले चलते हैं हमारे खक्सा के त्यौहार में। खक्सा एक ऐसा त्यौहार है जो हुमसो में मनाया जाता है। लाबरंग, कानम, स्पीलो और करला, इन सभी गांव को हुमसोगुड़ी के नाम से जाना जाता है। हमारा गांव लाबरंग मुख्यतः चार भागों में बटा हुआ है, नुस्कलंग, गल्लब, गोम्पनंग और थोंगनिंग। खक्सा तीन दिवसीय त्यौहार है। ये त्यौहार सदियों से मनाया जाता आ रहा है और आज भी खक्सा के त्यौहार को उसी हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। पहले दिन नुस्कलंग खक्सा मनाया जाता है। आज है हमारा गल्लब खक्सा। लाबरंग गांव के मध्य के बाग को गल्लब कहा जाता है। खक्सा के दिन सभी महिलाएं देवता जी के कारदार व बजंतरी खक्सा किम में जाते हैं, यानी कि खक्सा के घर में जाते हैं। गल्लब के कुछ घर में खक्सा किम होता है। खक्सा किम में सदियों से चली आ रही परंपरा ब्रेयंग पुयामा किया जाता है, यानी ब्रेयंग की पूजा की जाती है। ब्रेयंग में चुल्ली, फाफड़ा, जौ, नमक, चर्बी और ओगला होते हैं। ये अनाज ब्रेयंग बना के निकालते हैं, फिर इनकी पूजा की जाती है। ये पूजा साल फसल अच्छे होने के लिए की जाती है, और इन अनाजों को इकट्ठा करके संतंग में ले जाया जाता है, और इस अनाज का मार्च में पिसाई करके आटा बनाते हैं, और हमारे ग्राम देवता श्री सकोलिंग दुम्बर जी की ओर से पूरा एक डंग का खाना सभी ग्रामवासियों को दिया जाता है, जिसे ज्ञानम्बोस भी कहा जाता है। ये प्रथा सदियों से चली आ रही है। पुराने ज़माने में खाने पीने की कमी होती थी, इसलिए देवता जी द्वारा ज्ञानम्बोस करवाया जाता था, और सभी ग्रामवासियों को कौन यानी दूबाड़ी बना के दिया जाता था। बजंतरी, देवता जी के कारदार व गांव की महिलाएं खक्सा के त्यौहार में शामिल होती हैं। मेहमानों का स्वागत करना, ब्रेयंग पुयामा करना, मेहमानों को खाना परोसना और उसके बाद नाच गाना। खक्सा के त्यौहार में दूरंग ब्रिखंग से लगाया जाता है।
प्रखंग से दूरंग लगाने का अभिप्राय साल फसल अच्छे होने से है। प्रखंग से अनाज नापा जाता है। सभी हाथ पकड़कर लोक गीतों के साथ खोखसा करते हुए गल्लब के हर घर में जाते हैं, जहां प्रियंग पुयामा होता है और सभी लोक गीतों संग हमारा लोक नृत्य शुरमा करते हैं। खक्सा का त्योहार साल फसल अच्छे होने के लिए मनाया जाता है। ये त्योहार खाने पीने और नाचने गाने का त्योहार है। खक्सा में केवल खक्सा ग्रिप यानी खक्सा के गाने ही गाए जाते हैं। हमारे किन्नौर में सभी त्योहारों में गाए जाने वाले विशिष्ट लोकगीत हमारे बुजुर्गों द्वारा बनाए गए हैं। खक्सा हर वर्ष इसी हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। गल्लब खक्सा के आखिरी घर से सभी पिखंग पंठंग में जाते हैं और वहां जाकर शर्मा करते हैं। आखिरी दिन होता है गुम्पनंग खोक्सा का। लाबरंग गांव के आखिरी हिस्से को गुम्पनंग कहा जाता है। इस दिन भी सभी हाथ पकड़कर लोकगीतों संग खोक्सा करते हुए गुम्पनंग में जाते हैं। इस दिन भी गुम्पनंग की महिलाएं आने वाले मेहमानों का स्वागत करती हैं। वे उन्हें किन्नौरी व्यंजन परोसती हैं। छंग भी दिया जाता है जिसे हम यू कहते हैं। यू जौ से बनाया जाता है। गुम्पनंग खोक्सा में भी मेहमानों का स्वागत करना, ब्रेयंग पुयामा करना, खाना पीना व नाच गाना होता है। खोक्सा के त्योहार को महिलाओं का त्योहार भी कहा जा सकता है, क्योंकि खक्सा के त्यौहार में महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं और खक्सा के इस त्यौहार को वो बहुत आनंद लेती हैं और लोकगीतों के साथ अपनी खुशी को बयां करती हैं। सभी खक्सा करते हुए गुम्पनंग के आखिरी घर में जाते हैं। गुम्पनंग के आखिरी खोक्सा किम से सभी पिखंग पंठंग की ओर निकल पड़ते हैं। पिखंग पंठंग पहुँच कर यहाँ मेला किया जाता है। ये लोकगीत हमारी किन्नौरी संस्कृति की ही संगीत में अभिव्यक्ति है। किन्नौरी कला एवं संस्कृति समृद्ध व अतुल्य है और लाबरंग वासियों ने हमारी धरोहर व पूर्वजों की निशानी को आज भी उसी खूबसूरती से संजोए रखा है। खोक्सा का ये त्यौहार आज भी उसी हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है।
सभी त्योहारों की शुरुआत से ही हमारे ग्राम देवता श्री सकोलिंग दुम्बर जी को हमारे पिकंग पंठंग की छत पर ले जाया जाता है और जितने दिन मेला चलता है देवता जी यहीं रहते हैं। खोक्सा के अगले दिन सभी महिलाएं देवता जी के कारदार व भजंत्रीगण लोकगीतों संग देवता जी को संतंग में लाया जाता है। संतंग पहुंचकर देवता जी सभी को अपना आशीर्वाद देते हैं और इसी के साथ समापन होता है हमारे सर्दियों के सभी मेलों का।